नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 19। इसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसका अर्थ है, मतलब एक सेंटेंस होता है, हम पढ़ते हैं और उसका हमें एक अर्थ बताना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है, हिंदी भाषा में हम अनेक शब्दों को ना बोलकर कुछ या एक शब्द बोलकर अथवा लिखकर अपनी भाषा वाणी को प्रभावशाली व तथा आकर्षक बनाकर सामने वाले को चमत्कृत कर देते हैं। तो इसका अर्थ है, मतलब हम एक सेंटेंस पूरा ना बोलकर, एक वाक्य को पूरा ना बोलकर हम उस अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसमें देखो नीचे क्या लिखा है। अधोलिखित शब्दों को पढ़िए, लिखिए और समझिए। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और इसको समझना है। जैसे इसमें लिखा है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जिसको किसी चीज़ का भी ज्ञान ना हो, तो क्या होगा, वो अज्ञ। ठीक है, हमने एक ही सेंटेंस लिया, वाक्य लिया और इतना लंबा ना लिखकर हमने एक छोटा सा इसका अर्थ बना दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से नीचे है, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जिसको थोड़ी चीज़ की नॉलेज हो, जिसके बारे में पता हो, क्या होगा, अल्पज्ञ। जिसके सामान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। बहुत कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जो व्यर्थ का खर्च करने वाला होता है, वो क्या होता है, अपव्ययी। जो ग्रहण करने योग्य हो, ग्राहा। जो ग्रहण करने योग्य ना हो, अग्राहा। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना, आयात। उत्तर पूर्व का कोण, ईशान। जानने की इच्छा, जिज्ञासु। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। जो त्यागने योग्य हो, त्याज्य। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्र। पीने की इच्छा, पिपासा। जो विधि के अनुकूल हो, वैद्य। ठीक है बेटा, ये जो है यहाँ से ऊपर से नीचे तक, जो कुछ भी नहीं जानता हो और जो विधि के अनुकूल है, ये 15 शब्द हैं, आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है बेटा, 1 से 15 तक आपको अपनी कॉपी में करने हैं और याद करने हैं, पेपरों में आएंगे ये। ठीक है, नमस्ते बच्चों।